हमें ममता की थोड़ी सी छांव दे दो, ऐ माँ हमें ममता की थोड़ी सी छांव दे दो, तूफान में पार जाए ऐसी ही नाव दे दो। क्या बात है, तूफान में पार जाए ऐसी ही नाव दे दो, ऐ माँ हमें चरणों में थोड़ा ही स्थान दे दो, ऐ माँ हमें चरणों में थोड़ा ही स्थान दे दो, कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, प्रगतिशील ब्राह्मण समाज को अपना वरदान दे दो। क्या बात है, क्या बात दे दो। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से ही आपसे जुड़ना चाहती हूँ, फिर मैं चार पंक्तियों में छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, छत्तीसगढ़ की बहू हूँ, समस्त कवियों को प्रणाम करते हुए अपना परिचय चार पंक्तियों में। स्वागत सुमंदी। मैं एक बिन आकार की माटी, मैं एक बिन आकार की माटी, आप मेरे कुम्हार हैं, मैं एक बिन आकार की माटी, आप मेरे कुम्हार हैं, मैं तेज धार में खड़ी, आप मेरे पतवार हैं। क्या बात है, मैं तेज धार में खड़ी, आप मेरे पतवार हैं, मुझे रंग दीजिए, रूप दीजिए, आकार दीजिए, मुझे रंग दीजिए, रूप दीजिए, आकार दीजिए, छत्तीसगढ़ की अपनी बेटी को जग में उभार दीजिए। क्या बात है, जिंदाबाद। उभार दीजिए, क्योंकि श्रृंगार के रूप में मेरा नाम लिखा है और मल्टीनेशनल कवियों के साथ बैठी हूँ, तो चंद पंक्तियाँ सब सबको खुश करते हुए सुनाऊंगी, सबकी तरफ से सुनाऊंगी। हमारे दिग्गज कवि बेचारे पत्नी पीड़ित हैं, उनका भी परिचय मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से देना चाहती हूँ, क्योंकि घर में तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, तो बहनों को ही कुछ बोल के अपनी भड़ास निकालते हैं, जैसे अभी मनोहर जी, आलोक जी ने कहा, तो चंद पंक्तियों में परिचय देती हूँ। आदरणीय अशोक नागर जी, आदरणीय अशोक नागर जी पत्नी से छिपते छिपाते मंच तक आए हैं। क्या बात, आदरणीय अशोक नागर जी पत्नी से छिपते छिपाते मंच तक आए हैं और अपना ये राज अभिराम जी को बताए हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे अभिराम जी का तो इनसे भी बुरा हाल है, कविताओं से परेशान पत्नी को मायके गए हुए पूरे एक साल है। वाह 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 वाह। कमल मनोहर जी का तो अलग ही नजारा है, अभी बताए हैं घर जवाई हूँ, कमल मनोहर जी का तो अलग ही नजारा है, ओम जय पत्नी रानी इनका नारा है, ओम जय पत्नी रानी इनका नारा है। इधर आदरणीय हेमंत जी कानपुर से आए हैं, बताती हूँ, आदरणीय हेमंत जी कानपुर से आए हैं, कान पकड़ कर पत्नी के सामने उठक बैठक लगाते हैं, मुझे पता चला है विश्वस्त सूत्रों से, कान पकड़ कर पत्नी के सामने उठक बैठक लगाते हैं, और अमित जी उनकी व्यथा देख मन ही मन मुस्कुराते हैं, कुंवारे हैं, अमित जी उनकी व्यथा देख मन ही मन मुस्कुराते हैं, मेरे आदरणीय आलोक भाई, आदरणीय आलोक भाई को भाभी जी कहती है रहिए मौन, इसलिए कहते हैं मुझे मंच में वाह वाह कहेगा कौन, मंच में वाह वाह कहेगा कौन। जिंदाबाद। मेरी बहना संध्या रानी मेरी गुरु है, हर तरह से गुरु है, मेरी बहना उंगली के एक इशारे पर जीजा जी को मंच तक कविता सुनाने लेकर आती है। वाह वाह वाह। और मुझे पति को रिझाने के तरह तरह के नुस्खे रोज फोन पर सुनाती है, जय हो, रोज सुनाती है। और हमारे बेचारे भाई शिवांजल जी, अब बेचारे क्या कुंवारे बेचारे बिंदास है, और हमारे बेचारे कुंवारे शिवांजल भाई जी बिंदास है, एक अदद सुघर गृहिणी की उन्हें तलाश है। क्या बात, अदद सुघर गृहिणी की उन्हें तलाश है। और अंत में हम सब की ओर से हाथ जोड़कर हृदय से करती हूँ आप सबका सम्मान, क्योंकि हमारे श्रोतागण आप सभी से है हमारी पहचान, आप सभी से है हमारी पहचान। कवियों को दो पंक्तियाँ, सूर्य की तपन हमसे है, सूर्य की तपन हमसे है, चांद की ठंडक हमसे है, सूर्य की तपन हमसे है, चांद की ठंडक हमसे है, हम तो खाक हो जाते कब के, हम तो खाक हो जाते कब के, ये सांसें चल रही कलम के दम से है, ये सांसें चल रही कलम के दम से है। लीजिए, चूंकि श्रृंगार की कवित्री कह ही दिए गया है, मैं तहत में अपनी श्रृंगार की चार पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। तुम्हारी याद जब आती है तो पत्ते खड़खड़ाते हैं। क्या बात है, तुम्हारी याद जब आती, याद जब आती है तो पत्ते खड़खड़ाते हैं, जुबां पर नाम आने से पहले होंठ थरथराते हैं। जय हो। मैं जानू कि बेशक अब भी मुझको याद करते हो, मैं जानू कि अब भी बेशक मुझ
मुझको याद करते हो तुम्हें भूलने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, खुद को भूल जाते हैं। अब हमारा ये जो परशुराम ब्राह्मण समाज है, परशुराम जी को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां मंदिर में स्वागत 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 है। हम परशुराम जी के वंशज हैं, हम परशुराम जी के वंशज हैं, तूफानों से टकरा जाएंगे। हम परशुराम जी के वंशज हैं, तूफानों से टकरा जाएंगे। धर्म ग्रंथ वेद की गाथा से जन जन को जगाएंगे, जन 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 को जगाएंगे। जय 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 भगवान परशुराम, कीजिए विश्व का कल्याण। जय 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 भगवान परशुराम, कीजिए विश्व का कल्याण। अब एक रचना, एक रचना मैं अपनी एक अदद रचना आदरणीय संचालक जी के आग्रह पर सुनाना चाहती हूँ। अभी आपने कहा है कि आपको यदि किसी से प्यार है तो देश से प्यार कीजिए, तो मैं शहीदों के लिए अपनी एक उत्कृष्ट रचना एक बार जोरदार ताली बजाए करती हूँ। शहीदों की माताएं, रचना का शीर्षक है शहीदों की माताएं। मुझसे पूछा किसी ने शहीदों की माताएं कैसी होती हैं, कैसा होता है उनका घर। मुझसे पूछा किसी ने शहीदों की माताएं कैसी होती हैं, कैसा होता है उनका घर। मैंने कहा धरती की तरह होती है शहीदों की माताएं, चट्टानों की तरह होता है उनका। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। धरती की तरह होती है शहीदों की माताएं, चट्टानों की तरह होता है उनका घर। जैसे धरती सब कुछ सहकर बरसाती है हम पर प्यार, उसी तरह शहीद की माता भी छुपा लेती है मन में दुख। जैसे चट्टान हमेशा रहते हैं स्थिर व अटल, उसी तरह अटल होता है शहीदों का घर। शहीदों की माताएं कभी संकटों से नहीं घबराती, उनके घर की दीवारों पर होती है सहन शक्ति की धाती। उनके घर की दीवारों पर होती है सहन शक्ति की धाती। बचपन से लेकर उम्र भर उस घर में संस्कारों के दीपक जलाए जाते हैं। 2 बरस की उम्र से ही देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। क्या बात है, तैयार। फर्ज ही उनका संबंधी, देश प्रेम ही उनका प्यार। क्या बात है, जिंदाबाद संबंधी, देश प्रेम ही उनका प्यार। मातृभूमि की कसम उठाकर वो सीने में गोलियां खाते हैं। भारत माता की जय कहकर हंसते हंसते बलिदान हो जाते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब देश की सीमा पर कोई आतताई कदम बढ़ाता है, माथे पर विजय तिलक लगाकर रणभूमि में भेजने वाली वीर शहीद की ही माता है। माथे पर विजय तिलक लगाकर रणभूमि में भेजने वाली वीर शहीद की ही माता है। कहती है उस वीर पुत्र की माता, मेरे लाडले, सीमा पर घुसने वाले का सर तुझको कलम करना है। देश के हित में जीना है और देश के हित में मरना। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हित में जीना है और देश के हित में मरना है। माँ की इस शिक्षा से बेटा हो जाता है अमर। धरती की तरह होती है शहीदों की माताएं, चट्टानों की तरह होता है उनका घर। ये न सोचिए कि आपसे बिछड़ के किधर जाऊंगी, मैं तो सुमन हूँ, खुशबू बन के बिखर जाऊंगी। दौलत की नहीं चाह मेरे इस दिल को, शोहरत के समुंदर में मैं नहाऊंगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।